सर, सांगोद में अभी सूचना फैल रही है कि कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो क्या मामला है? हम देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी टीम सतर्क है, जैसे ही हमें सूचना मिलती है तो हम तुरंत उसको अवलोकन करते हैं, घर जाते हैं उसके, एक एक घर का सर जितने भी आए हैं, भाई कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं तो कब से आए हैं, सारी हिस्ट्री लेते हैं। तो कोई मरीज अभी पॉजिटिव पाया गया है सांगोद में? ऐसा कोई नहीं पॉजिटिव पाया गया, नहीं पाया गया। कोई सूचना सर्कुलेट हो रही थी नगर में कि कोई व्यापारी लोग बाहर से हैं, उनमें से कोई पॉजिटिव पाया गया है और मेडिकल टीम द्वारा उसे कोटा रेफर किया गया? नहीं नहीं, अभी मैं खुद गया हूँ घर घर जा कर के, वहाँ पे सर्वे मैंने खुद किया है मेरी टीम के साथ, इसी सूचना के चलते फिर मैं दोबारा गया हूँ, मैंने दो बार टीम भेजी आज ही, लेकिन वहाँ तो कोई बाहर से आया ही नहीं, और नहीं कोई रेफर किया, और नहीं हॉस्पिटल में आया, तो मैं कैसे करूँ? अगर इस प्रकार का कोई मामला सामने आता है तो चिकित्सा विभाग स्थानीय तौर पर इसको किस तरह से एक्शन करेगा? इसका एक्शन करेगा, इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट में भी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, और यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है, और होम आइसोलेशन भी हम कर सकते हैं इसके लिए। जैसे नगर में कोई बाहर से आ रहा है तो उसके लिए कोई चिकित्सा विभाग की तैयारी है, जांच वगैरह की इनकी, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है? बिल्कुल रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और उसकी रोज सूचना हम यहाँ से ऑफिस के द्वारा CMHO साहब को भिजवाते हैं, और ऐसे फील्ड में हमारी आशा कार्यकर्ता जो भी ENM है उनकी भी 8-10 घर को विजिट हो रहा है, तो उनका भी इनपुट लिया जा रहा है। उसके अलावा भी हमारी काफ़ी सपोर्ट टीमें हैं जो हमें बता देती है कि ये आदमी बाहर से आया है, तो उसको हम चेक करते हैं। और किस प्रकार के लोगों को सावधान रखने की ज़रूरत है, आप कुछ कहना चाहें पब्लिक से? बिल्कुल, इसके लिए देखो वही खांसी जुकाम बुखार दस्त वगैरह यही सिम्टम है, लेकिन सांस में तकलीफ अगर ज़्यादा होती है तो ये मामला थोड़ा रिस्क में चला जाता है, सावधानी बरतने की जरूरत। अभी कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यही अपील करूंगा, और ये सब अफवाहों पर ध्यान न दें, प्लीज शांति बनाए रखें, और सभी से मैं अपील करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है अभी अपनी तरफ, और अगर कोई होता भी है तो उस चैलेंज से निपटने के लिए हम तैयार हैं, आप भी हमारा सपोर्ट करें, और हम सबसे यही अपील करते हैं।